देख सकते हो टाटा गाड़ी आप सब बोलते हो भाई टाटा गाड़ी कैसा हो और मिलके बोले कि उनसे पहले 26,000 रुपए आप ले लीजिए। आप लोग यार बार बार पूछते हो भाई भाड़ा कितना लगा भाड़ा बता दो। हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है हम कोलकाता से आए हुए थे सब्जी लेकर अपने मंडी में, बनारस के मंडी में। तो दो दिन बाद ये वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि यार थोड़ा तबीयत अगर सही नहीं था और घर पे ही थे हम। दो दिन से भाड़ा भी कहीं नहीं मिला तो कहीं गए भी नहीं। तो आज पार्टी का फोन आया, पार्टी बोला कि मिर्च लोडिंग करके जाना है, दो गाड़ी लेके आ जाइए। तो फिलहाल देखते हैं, एक गाड़ी का और बातचीत हो रहा है और अपना तो गाड़ी है ही आपके छोटे भाई का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू कर रहे हैं गाइस और देखते हैं कहाँ का मिर्च गाड़ी में लोड होता है। अभी तो कंफर्म नहीं है, बोले हैं कि गाड़ी लेके आ जाइए, दो तीन जगह का भाड़ा है जहाँ पर मरेगा मर्चा, मतलब जहाँ का मिर्च बन जाएगा वहाँ पर आपको भेज देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और घर से भी निकल रहे हैं। बाहर यार बहुत ज़बरदस्त धूप हो चुका है, देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त धूप है। तो चलिए फिलहाल गाड़ी के पास पहुँचते हैं, गाड़ी अपने कॉलोनी में ही खड़ा है और चलिए पहुँचते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू सफ़र करते हैं गाइस। हे गाइस, तो अभी हम अपने घर से निकल रहे हैं गाड़ी को लेकर और यार पता है बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, फिर भी क्या किया जाए, अपना काम है भाई। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपका भाई तो पता ही है भाई, आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो और अलग अलग जगह घुमाता है, इतना मेहनत करता है। फिलहाल निकल चुके हैं सफ़र पर, तो एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं। नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव। हे गाइस, तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने रामनगर, जो सामने घाट वाला ब्रिज है न्यू ब्रिज, उसके ऊपर। ये ब्रिज तो हमेशा ही जाते हैं आप सब देखे होंगे, बट कभी गाड़ी से उतर के वीडियो शूट नहीं किए। आज थोड़ा सा पुल खाली खाली सा है, इस वजह से पता नहीं लोग बहुत कम आ जा रहे हैं। सब सोच रहे कि उस पर पानी भरा हुआ है, बट पानी दो दिन में ही निकल गया, मतलब सोच सकते हो रोड पर नैया चल रहा था, इतना ज़्यादा पानी भर चुका था। और यार इधर का नज़ारा पता है बहुत OMG वाला रहता है। तो फिलहाल आप सब देख सकते हो पुल ब्रिज, चलिए यहाँ से निकलते हैं अब क्योंकि एक गाड़ी वाले का और वेट कर रहे हैं हम, वो आएगा 2 किलोमीटर आगे। तो वो रास्ता देखा हुआ नहीं है जहाँ पे जाना है मिर्च लोड करने के लिए, और अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कहाँ पर गाड़ी का मिर्च लोड होगा, मतलब कहाँ हमें जाना है गाड़ी लोडिंग कर रखी है। तो फिलहाल अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो चलिए पता चल जाएगा तो आपको बता ही देना है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं गाइस, उसके बाद आगे का सफ़र बताएंगे यार कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। हे गाइस, तो अभी आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे और डीजल फुल करवा रहे हैं, सॉरी फुल नहीं करवा रहे हैं, अभी मात्र 1100 रुपये का भरवा रहे हैं क्योंकि भाई देखो वहाँ पहुँचने के बाद जब भाड़ा मतलब एडवांस मिल जाएगा और गाड़ी लोड हो जाएगा तभी भाई भाड़ा पक्का होता है, क्योंकि यार कभी कभी व्यापारी बुला लेते हैं और उनका माल बन नहीं पाता है। इसी वजह से इसके पहले भी कई बार हो चुका है कि अपने पैसे का टंकी फुल करवा के जाओ और वहाँ पे जाने के बाद भाड़ा कन्फर्म ना हो, तो ये सब यार दिक्कत हो जाता है। इसी वजह से अभी 1100 का तेल भरवा रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे जब गाड़ी लोड हो जाएगा, जब एडवांस मिल जाएगा उसके बाद फिर टंकी फुल करवा लेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलेंगे, वो गाड़ी वाला अभी आया नहीं, इधर ही उसका वेट करना है, तो अभी वहाँ से निकल चुका है घर से। तो फिलहाल वो जैसे ही आ जाता मेरे पास में तब यहाँ से निकलेंगे गाइस। हे गाइस, तो जा रहे थे गाड़ी लोडिंग करने के लिए, तो यार थोड़ा सा मेरे गाड़ी में ब्रेक कम लग रहा था क्योंकि भाई देखो नया ब्रेक लगाने के बाद थोड़ा सा ब्रेक को एडजस्टिंग करना पड़ता है। तो जैसे ही आप सबको पता है पिछले वीडियो में देखा होगा कि बंगाल गए हुए थे रानाघाट वाड़ा लेके, और यार वहाँ पर मिस्त्री बोल रहे थे चक्का आप अपने हाथ से खोलो उसके बाद हम ब्रेक टाइट करेंगे। तो यार हम जब पैसा दे रहे हैं तो ये तो मिस्त्री का काम है चक्का खोलना और ब्रेक का काम करना, और वो मिस्त्री बोल रहे हैं कि भाई आप ब्रेक मतलब चक्का अगर खोल के दो उसके बाद मैं काम करूंगा। फिर मैं समझ गया भाई तुम मिस्त्री तो नहीं हो सकते हो, लेबर वेबर हो गए, इसी वजह से भाई ऐसे बोल रहे मुझे। तो फिलहाल अपने बनारस में ही ब्रेक को थोड़ा टाइट करवा लेते हैं, न्यू पैड लगाने के बाद, जो ब्रेक पैड होता है वो न्यू लगाने के बाद थोड़ा सा ब्रेक को एडजस्टिंग करना पड़ता है। तो इसी वजह से भैया हमें बताए भी थे कि भैया आप आ जाइएगा इस रोड पे कभी तो करवा लीजिएगा। तो हम इधर से जा रहे थे गाड़ी लोड करने के लिए मधुपुर, तो अभी देख सकते हैं भैया अभी अच्छे से खोल लगा रखे, उसके बाद खोलने के बाद फिर उसको ब्रेक को एडजस्टिंग करेंगे। और ये देख सकते हो टाटा गाड़ी, आप सब बोलते हो भाई टाटा गाड़ी कैसा होता है भागने करने में, तो भाई टाटा गाड़ी का मजबूती तो भाई मस्त है भाई, एक नंबर का मजबूती होता है टाटा गाड़ी। तो लग रहा है भैया का थोड़ा सा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था कहीं पर, तो भैया बनवा रहे अपना गाड़ी, अभी गाड़ी है ना किसका है दूसरे का है, तो बहरहाल किसी का भी हो तो एक्सीडेंट अगर हो गया तो भैया बना रहे मिस्त्री साहब। तो फिलहाल चलिए पहले ब्रेक का काम करवा लेते हैं, उसके बाद वो गाड़ी वाला आ गया, पहले ही मेरा वेट कर रहा है यहाँ पर, बोला भैया हम आ गए हैं, हम बोले ठीक है आप यहाँ पे आके वेट करिए, दोनों आदमी साथ में चलेंगे। तो जैसे ब्रेक का काम हो जाएगा फिर यहाँ से निकलेंगे गाइस, तो कुछ देर बाद फिर मुलाकात करते हैं आप सबसे। हे गाइस, तो एक चक्का हो चुका है कंप्लीट उधर वाला और अभी आ गए दूसरे चक्के में, बता रहे हैं भैया आप 10 मिनट में बस हो चुका है एक चक्का और 10 मिनट इसमें भी लगेगा, टोटल 20 मिनट का काम है भाई, और 20 मिनट बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, तुरंत यहाँ से निकलेंगे क्योंकि बार बार पार्टी का फोन आ रहा है कि यहाँ पे अगर गाड़ी लगा दो भाई, अभी गाड़ी रात को लोड करना है, और हम बार बार पूछ रहे हैं भैया कहाँ पर जाना है बता दो दीजिए, बोला कि अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी माल बन रहा है, जैसे ही माल बन जाएगा
तो जो पार्टी मतलब जहाँ पे माल जाएगा, जो पार्टी सबसे पहले पैसा भेजेगा उस पार्टी के यहाँ गाड़ी रेडी हो जाएगा जाने के लिए। तो पहले आप गाड़ी यहाँ पर आके लगा दो। तो यही बातचीत चल रहा है। तो फिलहाल जल्दी जल्दी ब्रेक का काम जैसे ही हो जाता है मेरा तो यहाँ से निकलेंगे। तो भैया बहुत सुपर फास्ट आदमी है और सुपर फास्ट काम होता है यहाँ पर। तो फिलहाल चलिए होने ही वाला है काम और यहाँ से कुछ देर में निकलते हैं गाइस। तो गाइस मेरा काम हो चुका है कंप्लीट, अब यहाँ से निकल रहे हैं। कितना पैसा हुआ लीजिए? तो भैया को पैसा कर दे चुके हैं मैसेज। भैया गाड़ी पीछे वाला हटवा दीजिए थोड़ा सा जल्दी से। तो गाइस निकल रहे हैं, अभी फिर से पार्टी का कॉल आ चुका है। तो अभी जस्ट कॉल आया, अभी कट चुका है, कॉल उठाया नहीं उनका। तो पहले यहाँ से निकलते हैं गाइस, फिर बातें करते हैं। हे गाइस, तो फाइनली ब्रेक वगैरह बनवा के निकल चुके हैं और वो गाड़ी वाला भी आ गया। रुकिए आप सबको दिखाते हैं, वो गाड़ी वाला मेरे पीछे ही है। रुक जाओ भाई, आने दो उसको पहले। आओ तो भाई ये गाड़ी वाला आ चुके हैं। चल रहा है ना मिर्च लोड करने। चलिए तो ये है भाई बिहार का गाड़ी और मेरे दोस्त है, ये बिहार का गाड़ी है आरा का। और हमसे बहुत दिन से बोल रहा था भाई भाड़ा करा नहीं मिल रहा है, तो हम बोले चलो ठीक है अभी मिर्च का सीजन चालू होने दो। तो जैसे मिर्च का सीजन चालू होगा तो तुमको बुला लेंगे। तो बिहार का गाड़ी है, इसको बुलाए हैं चलाने के लिए यहाँ पर। देखते हैं कब तक चला पाते हैं भाई। और ट्रांसपोर्ट वाले भी हैं, ट्रांसपोर्ट वाले को बोल दिए भाई मेरा एक दोस्त का गाड़ी है, इसको भी भाई भाड़ा करा दो। तो बातचीत हो गया है, तो फिलहाल अभी निकल रहे हैं साथ में, दोनों गाड़ी जाते हैं, देखते हैं किसका पहले लोड होता है भाई। तो मौसम देख लो इधर का, बहुत ज़्यादा धूप है यार, मज़ा नहीं आ रहा है भाई आज गाड़ी चलाने में। हे गाइस, तो सामने देख सकते हो भाई लोग जा रहे हैं झंडा फहरा के और मस्त है यार, सब ग्रुप में भाई लोग, मज़ा आ रहा है भाई लोगों को एकदम। देखते हैं भारत माता की, भारत माता की। तो भाई लोग मजा ले रहे हैं और मौसम का आनंद ले रहे हैं, गर्मी का घूमने निकले हैं भाई लोग। लग रहा है कि लखनिया दरी जा रहे हैं क्योंकि इस रोड पे लखनिया दरी पड़ता है। तो भाई लोग आज एंजॉय करने जा रहे होगा, पानी अगर बढ़ा है तो भाई पहाड़ के ऊपर से झरना है, पूरा पानी अगर निकल रहा है। तो फिलहाल गाइस अपने रोड पे आ चुके हैं, मतलब जहाँ पर जाना है गाड़ी लोडिंग के लिए उस रोड पे आ चुके हैं। ये है हाईवे और ये सीधा रोड निकल जाता है छत्तीसगढ़ वाले रोड पे, आपको जाके मिला देगा। तो फिलहाल चलिए अब डायरेक्ट मुलाकात करते हैं पहाड़ के ऊपर गाइस, मजा आने वाला है। हे गाइस, तो फाइनली पहुँच चुके हैं सुकरूत, मतलब पहाड़ के ऊपर। और अभी थोड़ा सा कैमरा को ऊपर करके तो ऊपर का थोड़ा सा पहाड़ का नज़ारा आप सबको दिखाते हैं। तो चलिए पहले पहाड़ का नज़ारा देख लीजिए, उसके बाद फिर मुलाकात करते हैं और आगे। हे गाइस, तो फाइनली पहुंच चुके हैं मंडी में, मतलब जो मधुपुर का सब्जी मंडी है, देख सकते हो बहुत बड़ा सब्जी मंडी है। तो यहां पर हम पहुंच चुके हैं और जो व्यापारी हमें यहां पर बुलाया था उनके घर गए, वो बोले कि आप चले जाइए मंडी में। तो फिलहाल हम मंडी में रुके हुए हैं, पता नहीं चल रहा है कब गाड़ी लोड होगा कब नहीं लोड होगा। जैसे ही लोड होता है गाड़ी तैसे आप सबको बताएंगे हम। और अभी आएंगे जो मतलब यहाँ से हमको लेके जाएंगे खेत में गाड़ी लोडिंग करने के लिए, वो अभी आएंगे, फिर यहाँ से लेके जाएंगे खेत में, तब गाड़ी लोड होगा। पता नहीं कितने बजे गाड़ी लोड होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है हमको। यहाँ पे आए हुए 3 घंटा हो गया और 3 घंटा बाद इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। हम सोचे अब आएंगे, बट 3 घंटा हो गया तो हमसे रहा नहीं गया, इसी वजह से सोचे आप सबको थोड़ा सा अपडेट देते रहें। तो क्या ही बताएं, बैठे हुए हैं बस, वेटिंग चल रहा है। हे गाइस, तो पार्टी का फोन आया, पार्टी बोल रहा है कि मंडी में एक लोग से मिलो, मतलब उनका नाम बताएं, राजू भाई हैं। तो मिले यहाँ पर और मिलके बोले कि उनसे पहले 26,000 रुपये आप ले लीजिए। तो ये देख सकते हो पैसा मैंने ले लिया भैया से, पैसा 26,000 रुपये दिए हैं और बोले कि पैसा लेकर आप आ जाइए 4 किलोमीटर आगे। तो हम गाड़ी लेके निकल चुके हैं यार, बहुत पंचायत है जिंदगी में भाई। गाड़ी यार लोडिंग करना होता है एक जगह से सही रहता है यार, वह जगह दौड़ो। और अभी पता है खेत में जाकर पूरा देखते हैं, मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, सच बता रहे भाई। सीट बेल्ट लगा लेते हैं यार, हाईवे है तो यार मजा आने वाला है इस वीडियो में भाई। आप सब लाइक जरूर करना इस वीडियो को और मजा आने वाला है, सच बता रहे इस वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत दिन बाद आप सब कुछ हटके देखने वाले हो यार। अब ये वीडियो के बाद जो भी वीडियो आएगा सब एकदम इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो होगा भाई, अलग अलग जगह घुमाने वाले आप सबको। तो फिलहाल पैसा भैया से ले चुके हैं और भैया बोले हैं कि 4 किलोमीटर आगे आ जाइए एक पेट्रोल पंप पे, वहाँ से गाड़ी में बोरियाँ लोड करना है, बोरी लोड करना है, फिर वहाँ से लेबर मेरे गाड़ी में चढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ से लोडिंग करते हैं, अब वही लोग बताएंगे। और हमें जाना है सीतामढ़ी, तो मेरा भाड़ा कन्फर्म हो गया आप सबको बता दे गाइस, हमें जाना है बिहार में सीतामढ़ी, जो मुजफ्फरपुर से आगे है सीतामढ़ी, वहीं पर हमें जाना है सीतामढ़ी।
तो फिलहाल जा रहे हैं गाड़ी लोड करने के लिए। अभी देखते हैं कितने बजे रात को गाड़ी छोड़ते हैं, क्योंकि भोर में वहाँ पे 5 बजे पहुँचना पड़ता है। सीतामढ़ी बहुत पहले एक बार गए थे हम, तो दूर का सफर है, 400 किलोमीटर है जहाँ से गाड़ी लोडिंग होगा, 420 किलोमीटर। तो फिलहाल हम देखते हैं आगे क्या सीन होता है यार। हे गाइस, काफी देर बाद इंतजार हुआ खत्म, अब जा रहे हैं गाड़ी लोडिंग के लिए। तो भाई लोग आ चुके हैं, पहलवान लोग, यही लोग जाएंगे गाड़ी लोडिंग करवाएंगे। देखिए एक लोग ऊपर भी चढ़ चुके हैं मेरे गाड़ी के ऊपर, कांटा गला लेके चढ़ चुके हैं, और मेरे व्यापारी भी अरविंद भी आए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी लोडिंग करवाते हैं, और पहले पॉइंट पे पहुंच जाए उसके बाद फिर आप लोग से बातें करते हैं गाइस। हे गाइस, तो पहला धाम पहुंच चुके हैं यार, धाम भी कह सकते हो, मतलब यार अभी क्या है ना कि मिर्च अभी कम निकल रहा है क्योंकि अभी शुरुआत है, इसी वजह से 3-4 जगह से गाड़ी लोड करना पड़ेगा। तो अभी पहुंच चुके हैं जहाँ थोड़ा थोड़ा किसान का माल है, मतलब ये सब जो देख रहे हो इधर आप लोग, पूरा इधर मिर्च हुआ है, और इस सीजन में सिर्फ अपने इधर का ही मिर्चा निकलता है, और यहाँ से हर एक जगह जाता है, नेपाल अगरह, भूटान अगरह, बांग्लादेश तक यहाँ से नेपाल जाता है, मतलब मिर्च जाता है, सोच सकते हो यार, अपने बनारस जिला का यार यहाँ से जाता है मिर्च बांग्लादेश तक, आप सोच सकते हो भाई इतना दूर दूर मिर्च जाता है। तो फिलहाल अभी मिर्च भैया लोग तौलेंगे, देख सकते हो मिर्च पूरा भरा रहा है बोरी में, अभी तौलेंगे, उसके बाद फिर गाड़ी बगल में है उधर लोडिंग होगा, उसके बाद फिर यहाँ से लोडिंग करने के बाद फिर दूसरे जगह जाना है, दूसरी जगह लोडिंग करना है, तीसरे जगह, मतलब जितना जगह जाएंगे आप सबको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से गाड़ी लोडिंग करवा लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से बातें करते हैं गाइस। हे गाइस, तो अभी एक जगह गाड़ी लोडिंग हुआ है, मतलब 4-5 बोरी, उसके बाद अभी दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। भैया निकला जाए, चलिए गेट बंद करिए फटाक से अंदर आइए। तो चलिए अभी दूसरे पॉइंट पे चल रहे हैं गाड़ी लोडिंग के लिए, तो अभी चलते हैं भाई, देखते हैं वहाँ पर कितना बोरी वहाँ पर लोड होता है। तो थोड़ा सा यार जल्दी है, और भैया थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिएगा, अभी 8 बजे तक ठीक है। हे गाइस, तो फाइनली गाड़ी हो चुका है लोड, और लोड करके आ चुके हैं, डीजल टैंक फुल करवा रहे हैं अपने। तो आप लोग यार बार बार पूछते हो भाई भाड़ा कितना लगा, भाड़ा बता दो। तो हमें जाना है गाइस सीतामढ़ी, और जहाँ पे हम खड़े हैं मधुपुर है, मधुपुर से मतलब 20 किलोमीटर अंदर आए थे गाँव में, तो यहाँ से सीतामढ़ी पड़ता है 430 किलोमीटर। तो भाड़ा लगा है भाई 13,000 रुपया, और 13,000 में से बच जाएगा हमें 4-5,000 रुपया आराम से बच जाएगा। तो देखते हैं उधर से क्या वापसी लोडिंग अगर होता है कि नहीं। तो उधर से लोडिंग करने के लिए हमें दलसिंह सराय जाना पड़ेगा, दलसिंह सराय पड़ता है समस्तीपुर वाले रोड पे, तो वो वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। फिलहाल हम इस वीडियो को ही एंडिंग करते हैं भाई, क्योंकि रात को गाड़ी चलाना है आप सब जानते हो, तो रात को भाई कच्चा माल लोडिंग होने के बाद दिमाग यार काम नहीं करता, बंद कर देता है काम करना, सीधा बस मंडी दिखता है कि कितना जल्दी मंडी पहुंच जाए माल को लेकर। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग आपका छोटा भाई वीडियो लेकर आता रहता है। तो चले मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। ऐसे यार छोटे भाई पे सपोर्ट और प्यार मोहब्बत बनाए रखना, चले मिलते हैं अलग वीडियो में, सपोर्ट में भाई लोग।